सहितम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिम्राम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सम्मूर्तये भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने विशुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचारिणी सते सात्वत शास्त्र सद्व्याख्या निपुनाय महामते ब्रह्म सूत्र श्रुति स्मृतौ गौड़ीय भाष्यकारिणी शास्त्रयुक्ता ततस्तत्र विप्रतिपतिनाशिने श्री सारस्वत गौड़ीयाधीश सेवा प्रकाशिनी वैष्णवाचार्य देवाय नित्य कल्याणदायिनी नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः सयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुष महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमार्थ चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरवाभिभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयतां सुरतं पङ्गुं मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजो श्रीराधामदनमोहनो दिव्यदिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमादरत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री लघुगोविंद देव पृष्ठलिभिर्सर्वमान स्मरामि श्रीमान राजसरसारम्भे वंशीवाटतटस्थितः कर्षण वेणुसमीरगोपी गोपीनाथ श्रियस्तु न वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रजदेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनाळा समा
संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी दानी वंदित गुरु करना कमाला मित्री सवाद प्रिया कीर्तनी राय Thank you.
Thank you.
Thank you.
तद्भक्ताय नमो नमः। गुरवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग दसम स्कंद की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वो जो पहले जो सुन रहे थे हम उसको ठीक से देख नहीं पाए, अभी दसम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। हम लोग परसों श्रवण कर रहे थे जब ब्रज में तरह तरह का उत्पाद होने लग गया, यहाँ तक भी पेड़ भी अपने आप कृष्ण गोबर गिरने लग गई। सारे ब्रजवासी बैठ करके मीटिंग किया, लगता है ये जो गोकुल है ये हमारी रहने का लायक नहीं रह गया, क्योंकि पहले तो दैत्य लोग हाथ धोकर के पीछे पड़ गए थे, अभी तो ये पेड़ भी अपने आप गिरने लग गया। मतलब ये जो गोकुल है ना हमारे संपूर्ण विरोध हो गया, इसलिए चलो हम ये गोकुल को छोड़ करके और कृष्ण बलराम की उद्देश्य में, मतलब सब लोग जो कुछ काम करते थे कृष्ण का कैसे सुख हो, यही ब्रजवासी है। ब्रज में केवल कृष्ण चिंता सभी का, कृष्ण कैसे सुख में रहे फिर सबके सब सुखी रहेंगे। इसलिए जब गिरिराज गोवर्धन उनने बोले बोले वर्मा को जब उनने दर्शन दिया है, सबके सब दर्शन दिया, बोले वर्मा को क्या चाहते ब्रजवासियों, बोले हमारे लाला कन्हैया सुख में रहे। उन्हें और कोई चीज मांगे नहीं, केवल कृष्ण सुख ही प्रार्थना की। इसलिए अभी सोच रहे चलो हम एक ब्रज हमें नहीं छोड़नी चाहिए, गोकुल हमें नहीं छोड़नी चाहिए कि बोले क्या फिर पहले कहाँ रहते थे, वो पहले रहते थे नंदगांव में, पहले ये नंदगांव में रहते थे, बोले क्या फिर नंदगांव चले जाए। नंदगांव से ही उन्होंने धीरे धीरे गोकुल में आए थे। बोले नंदगांव, बोले नहीं नंदगांव नहीं चले। बोले क्यों, बोले अभी भी वहाँ पर ये धनुकासुर है, हैं अभी भी वो धनुकासुर अभी वहाँ पर है। धनुकासुर नहीं कौन सा सुर, कैसी दैत्य हैं, जब पहले रहते थे नंदगांव में एक कैसी दैत्य बड़े उत्पात मचाए, कैसी दैत्य का उत्पात से उन लोगों ने छोड़ दिया नंदगांव, छोड़ करके धीरे 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 गोकुल आ गए थे। बोले नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, अभी भी वहाँ हैं उत्पात, धनु कैसी दैत्य का अभी उत्पात है। बोले कहाँ चले, जो सबसे बड़े जो वृद्ध गोप थे उपानंद, बोले ये पास में एक सुंदर स्थान है, कौन सा स्थान है, बोले बन बनम वृंदावन नामम पश्यभ्य नभकाननम गोप गोपी गवाम सेभ्य पुन्नाद्री त्रीण विरुधम है। बोले ये पास में वृंदावन धाम है, बड़े सुंदर है, पश्यभ्यम नभकाननम पशुओं के लिए भी खाने के लिए वहाँ पर हरी हरी घास भी वहाँ पर है, और वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए सुंदर सुंदर वहाँ पर
मैदान है, सुंदर सुंदर फल फूल और यमुना कलकलनाद से बह रही है पीने के लिए पानी, बड़े सुंदर यमुना के पानी है, इसलिए बड़ा सुंदर वृंदावन धाम, वृंदावन धाम चलते हैं। और जहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन, बड़ा सुंदर स्थान, बोले कल क्यों, आज ही चलो है, कोई शुभ कार्य करता है शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके सब ब्रजवासी थे, ऐसे तो घर मकान नहीं बना हुआ था जो कि नहीं यहाँ छोड़ कर और कहीं नहीं जाएंगे, वो ब्रजवासी थे। ब्रज मतलब होता है ब्रज गतो है, ब्रज चलती ब्रज गतो, गतो मतलब है उनका तो मूलधन था गैया है, इसलिए अगर जहाँ पर रहते थे गैया घास खाते थे, अगर वहाँ खत्म हो जाता था ना, बोले चलो इसको छोड़ करके और किसी स्थान में चले जाएंगे जहाँ पर हरी हरी घास हो, जहाँ पर सुंदर पानी हो, जहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान हो, रहने का बड़ा सुंदर व्यवस्था, वहाँ चले जाते हैं, ये इसलिए उसका नाम ब्रज है। इसलिए बोले चलो, बोले आज ही चलते हैं, ढिंडरा पिटवा दो ब्रज में, और ढिंडरा पिटवा करके ये सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक नाचते कूदते हुए कहाँ पर आ गए, बोले वृंदावन आ गए। पहले हम लोग श्रवण किया है, बोले वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रु ब्रजवासम सकटैरध चंद्रवत्। बोले वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, यहाँ वृंदावन इस श्लोक की याद कर लेना, कहते वृंदावन धाम कैसे है वर्णना कर रहे हैं, कहते वृंदावनम संप्रविश्य, जब वृंदावन धाम में उनने सम्यक रूप में प्रवेश किया, एक होता था प्रवेश करना, लेकिन एक होता है संप्रवश्य, सम्यक रूप में जब प्रवेश किया, क्योंकि वृंदावन धाम में सभी नहीं प्रवेश कर सकते हैं, वृंदावन धाम में सब दर्शन नहीं कर सकते हैं, जहाँ स्वयं जब तक शंकर जी भी आए हैं प्रभु की रास दर्शन करने के लिए, शंकर जी को भी प्रवेश नहीं हुआ, और आप हमारी बात छोड़ दो, उनको वहाँ पर गोपी मूर्ति धारण करना पड़ा शंकर जी को, फिर ईशान कोण में बैठे उनको भी निकाल दिया छोटी पकड़ कर गोपियों ने, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति वो भी प्रवेश नहीं कर पाए, वो क्या प्रार्थना करते हैं, हाँ तद्भुरी भाग्य, प्रभु ब्रज का बाहर में हमें कोई पत्थर जन्म दे दो, ब्रह्मा जैसे हमारे आदि गुरु लक्ष्मी भी अभी बैठ करके तपस्या कर रही है, उद्धव भी जहाँ पर त्रिणगुण, इसलिए यहाँ पर कहते संप्रवेश, वृंदावन धाम में सभी का प्रवेश नहीं है, जो भाग्यवान व्यक्ति उनका ही प्रवेश है, अति तो ब्रजवासी है। कहते वृंदावन कैसे, बोले सर्वकाल सुखावह, सर्वकाल सुखावह मतलब जैसे जैसे अभी वृंदावन भी बहुत ठंडा होगा, यहाँ जैसे ठंडा वहाँ भी ऐसे ठंडा है, गर्मी का समय बहुत गर्मी भी है, बहुत गर्मी भी है, ठंडा गर्मी दो सीजन इधर ही है, इसलिए गर्मी भी है ठंडा भी है, लेकिन हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम वृंदावन में हम नहीं रह रहे हैं, हैं हम माया की जाल को ऊपर रह रहे हैं, हम लोग हैं माया की जाल को अंदर में रह रहे हैं, इसलिए हम वृंदावन धाम में हमारी निवास नहीं हो रही है। लेकिन वृंदावन कैसे, बोले सर्वकाल सुखावह, हर समय बड़ा आनंद है, हैं कितना भगवान पिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्सरंत मनश्चक्रे जोग माया उपासिता, इसलिए कहते भगवान जब रास कर रहे थे सारे ऋतु जितने छह ऋतु जहाँ पर एक साथ में भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए हमारे कवि कर्णपुर बड़े सुंदर आनंद वृंदावन चौपी में वृंदावन धाम की दिव्यता को वर्णना करते हैं, जहाँ पर एक पेड़ में सारे फल मिल जाएगा, चीकू मिल जाएगा, पपीता मिल जाएगा, केले मिल जाएगा, अंगूर आपेल एक वृक्ष में मिले, एक वृक्ष मिल गया ना तुम कहीं जाने का जरूरत नहीं, वहीं पर सारे मार्केटिंग वहीं पर कर लो और कहीं जाने का जरूरत नहीं। कहते एक वृक्ष में जानते हैं एक तरह का फूल है, लेकिन एक वृक्ष में अभी भी देखोगे ऐसे वृक्ष है, अब जब कहा गोकुल में गए वहाँ पर देखना अंदर में एक वृक्ष है ना, एक वृक्ष में तीन चार तरह का फूल है, देखे कि नहीं, देखे कि नहीं, वो फूल में एक वृक्ष में कितने पीला फूल भी है, वो सफेद फूल भी है, नीला फूल भी, एक वृक्ष में वहाँ पर देखना तीन चार तरह का फूल है, हैं इसलिए कहते एक वृक्ष में हर तरह का फूल, बेली चमेली जूही केतकी मालती हैं, इसलिए सब वृक्ष में एक वृक्ष में सारे फूल एक वृक्ष में मिल जाता था, एक वृक्ष में हर तरह का पत्ते, किस तरह का पत्ते चाहते एक वृक्ष में। और वहाँ पर जो हम देखते हैं ना गिरिराज गोवर्धन का वर्णना करते हैं, जैसे हम पत्थर पत्थर दिखती है वो गिरिराज शिला ऐसे नहीं,
वो हीरे मुक्ता जवाहरात असर पियो हे चमचमाते हैं गिरिराज गोवर्धन, ऐसे ऐसे वृंदावन धाम है। बोले सर्वकाल सुखा वह हर समय में आनंद ही आनंद श्री वृंदावन धाम में आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्ष सारिकल्प वृक्ष चिंतामणि वहाँ पानी अमृत कथा गानम गमनम नाट्यम कोई चलता है लगता है बड़े सुंदर नाचते नाचते जा रहा है नाचते नाचते जा जब हम वहाँ जाएंगे सब देखेंगे वहाँ पर। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार करो वहाँ जाने के लिए, ठीक है ना। टिकट बना हैं वहाँ टिकट बना। टिकट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कर सर्वकाल सुखाव। लेकिन उन्होंने गोकुल से कहाँ कहे? बोले छठीकरा में। छठीकरा जानते कि नहीं? जब दिल्ली रास्ते में जाते ना वो छठीकरा है, हैं? बोले छठीकरा है। बोले इतना नाम छठीकरा का क्यों नाम पड़ा? बोले दो कारण से। कहते वहाँ पर एक षष्ठी पूजा होता है ना, वहाँ छठी की पूजा की, पर वहाँ पर सकट से ये छठीकरा हो गया। सकटम अर्ध चंद्रवत। उन्होंने क्या किया जब वहाँ पर आए, तत्र चक्रो ब्रजवासम, ब्रजवास करते हुए वहीं पर सकटम अर्ध चंद्रवत, सकट गाड़ी को उन्होंने ऐसे आधा जैसे है उनका बैलगाड़ी था मूल संपत्ति, उसमें ही सारे लद करके ले जाते थे, उसको नीचे सैन करते थे, इसलिए उन्होंने पूरा आधा सुंदर करके अर्ध चंद्रवत कर दिया। अर्ध चंद्रवत करके फिर चारी तरफ में जो कांटा की जो बाड़ होता है अच्छे तरह से उन्होंने कांटा की बाड़ लगा दिया, जैसे कोई पशु पक्षी अंदर में नहीं आ सकते हैं। वहीं पर उन्होंने अपना घर को बैठा करके उन्होंने वहीं पर निवास किया। जब वहीं पर उन्होंने निवास किया, अभी कृष्ण अभी धीरे धीरे कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन कृष्ण अपना पिताजी को बोले, पिताजी कृष्ण बलराम बोले आप तो वृद्ध हो चुके हो, इसलिए आप अभी घर में विश्राम करो, अपना भगवान का भजन पूजा पाठ करो, हम कृष्ण बलराम दोनों भाई बड़े हो गए। बड़े कितने मन हो गए? 4 साल हो गए फिर दिन, चार साल कितना महीना। लेकिन बोले 4 साल में बच्चा कितना बड़ा होता है? लेकिन यहाँ भगवान है ना, आप देखना जिस घर में खाना पीना बहुत बढ़िया हो ना, आप देखना 3 साल में 6 साल लगते हैं, 6 साल में 9 साल लगते हैं। और कृष्ण बलराम मक्खन खा करके ना एकदम शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया था, कृष्ण बलराम का एकदम ताजे हो गए थे। और भगवान भी तो है, ठाकुर तो है ये, इसलिए कहते पिताजी आप बड़े हो गए हो, आप घर में भगवान की पूजा पाठ करो, हम दोनों भाई बड़े हो गए, अभी हम लोग गैया चराएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे पिता माता को बोले बता पिता माता क्या मन कैसे होगा? बोले देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। कहते पिता माता को आप विश्राम करो, घर में पूजा पाठ करो, हम भाई बड़े हो गए, हम घर सारे काम संभालते, आप जहाँ पूजा पाठ करो। पिता माता का हृदय गदगद हो जाएगा ना, इसलिए नंदबाबा सुनकर इतने खुश हो गए, अंदर से इतने प्रसन्न हो गए, बोले देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं। कहते आप वृद्ध हो गए, घर में बैठ करके पूजा पाठ भजन करो, एकदम गदगद हो गए। लेकिन नंदबाबा बोले अभी तुम इतने छोटे हो, हैं छोटे क्या गया कहीं चराएंगे? अभी गया पर चराने का जरूरत नहीं, हमारे घर में क्या नौकरों का कमी है? कोई जरूरत नहीं, तुम घर में रहो और तुम लोग खेल कूद करो, हैं बच्चे से खेल कूद करते हैं। इतने में कृष्ण बलराम ने कहा देखो पिताजी हम लोग ग्वाला है, हैं हमारे ग्वाला है, इसलिए हमारे धर्म है गैया सेवा करने से, गोपाल जो गैया को जो पालन करते हैं, हमारा धर्म क्या है? गो सेवा करना हमारी धर्म है, इसलिए हम दोनों एकदम पूरा ये उसको मंगला में क्या हट गए, पूरा हिंदी में पूरा हट गए, नहीं हम तो चराएंगे एकदम। जब माने ही नहीं बोले ठीक है एक काम करते हैं, ऐसे नहीं पहले सांडिल्य ऋषि को बुला करके कोई नक्षत्र को देख कर कोई अच्छा दिन निकालते हैं, फिर उसको साथ साथ गैया चराने का जरूरत नहीं। अब ये बछड़ों को लेकर ना ज़्यादा दूर नहीं, बच्चे जैसे खेलते कूदते हैं, ये बच्चों को लेकर थोड़ी दूर जाओ, अपने बच्चों को साथ में खेल कूद कर और वापस चले आओ। तो उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले कोई बढ़िया दिन देखो। तो उन्होंने देखा कार्तिक का जो गोपाष्टमी का दिन बहुत बढ़िया दिन, इस दिन कोई भी काम करोगे तो काम बढ़िया होगा, इसलिए गोपाष्टमी का दिन उन्होंने समय को उन्होंने स्थिर किया। और इतने में कृष्ण मैया जसोदा कह रहे हैं बोले लाला
तुम अगर बछड़े चराने के लिए जाओगे तेरे को देखे बगैर मैं प्राण कैसे धारण करूंगा हैं। पिछले जब वृंदावन आ रहे थे ना कहाँ से गोकुल से, उन्होंने बैलगाड़ी में एक गाड़ी में बैठ करके आए, बोले क्यों वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं इसीलिए आए, कृष्ण का विरह मैया को सहन नहीं होता था, थोड़ी सी भी कृष्ण अगर अलग हो जाए ना एकदम विरह में तड़फड़ाने लगती थी, इसलिए कृष्ण को गोद में लेकर के बलराम को दोनों माता एक बैलगाड़ी में बैठी करके वहाँ पर आया करती थी, बोले तेरे को देखे बगैर मैं कैसे प्राण धारण करूँगी। कृष्ण ने कहा क्यों, जब हम कृष्ण बलराम जो घर तो घर की काम करती हो, हम तो बच्चों को साथ में खेलते हैं, तो तब भी कैसे प्राण धारण करती हो। बोले जब तुम बच्चों को साथ में खेलती है ना कभी कभी तुम किलकारी मारते हो, देखो ना बच्चे लोग जब खेलते हैं जोर जोर से किलकारी मारते हैं ना, बोले तुम किलकारी मारते हो, जब किलकारी मारते हो वो किलकारी का शब्द तो मेरे कान में पड़ती रहती है, इसलिए मेरे को चैन मिलती है, लाला यहीं पर है, हाँ लाला यहीं पर है। इसलिए कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो मैया, मैं जितने दूर तक जाऊँगा ना उतना दूर से इतने जोर से किलकारी मारूंगा तेरे घर में भी बैठ बैठ करके मेरे गले की आवाज़ मिलेगा। इसलिए ब्रजवासी लोग कहते जो टेर कदम है ना, वो टेर मतलब क्या बुलाना है, इसलिए कृष्ण कभी कभी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके टेर बोलते थे और ऐसे इतने जोर से बोलते थे जो घर में मैया बैठी करके लाला की गला की आवाज को सुनते थे, उसको चैन मिलती थी, चैन मिलती थी। इसलिए अभी सवेरे सवेरे अभी उन्होंने आकर के कृष्ण स्नान किया, उनको बड़े सुंदर मैया ने श्रृंगार कर दी हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार हीरे मुक्त जवाहरात से उनको चोटी को श्रृंगार, गले में माला, बड़े सुंदर कपड़ा पहना दिया, पहना करके अभी कृष्ण बलराम जाएंगे गोचारण करने के लिए जाएंगे। जब गोचारण करने के लिए जाएंगे इतने में अभी भी वो ब्रज में जो प्रथा है, हम लोग जो परिक्रमा नंदगांव में वो गोपाश्रम का दिन जाता है, गए कि नहीं कभी कभी आप देना, उसी दिन कृष्ण बलराम को लेकर के टेर कदम में जाते हैं और घर घर में भगवान कृष्ण बलराम जिस दिन गए घर घर में मालपुआ बनाए, खीर मालपुआ बनाए हैं, कृष्ण हर घर घर में जाकर खाते हैं मालपुआ खीर खा करके प्रभु जाते हैं गैया चराने के लिए। अभी मैया जसोदा सवेरे से दोनों बच्चे को श्रृंगार स्नान करके मैया को तो छोड़ नहीं पाती है, इसलिए अगर कृष्ण को एकदम चुपका करके रखी तुम लाला जाओगे तो मैं कैसे तेरे विरह में प्राण धारण करूंगी, छोड़ना नहीं चाह रहे। इतने में नंद बाबा कह रहे हैं सांडिल्य ऋषि जल्दी समय हो गया है, एक समय होता है ना इसी समय में कहीं भी जाओ, इसलिए नियम है, इसलिए पंचांग में हमने देखा है, हमारे त्रिविक्रम महाराज हम देखते थे हैं, हमारे महाराज भी देखते थे, जब कहीं जाते थे कोई दूर देश में कहीं यात्रा के लिए वो पंचांग देखते थे कौन सा दिन अच्छा दिन है, हैं कौन सा दिन हमें जाननी चाहिए, जैसे द्वितीया बढ़िया है, तृतीया बढ़िया है, चतुर्थी अच्छा नहीं सुन लो, इसलिए पंचमी बढ़िया है, हैं षष्ठी अच्छी नहीं, सप्तमी अच्छी अच्छी है, अष्टमी इतना अच्छी नहीं, नवमी मृत्यु है, इसलिए जो दशमी अगर कहीं जाओगे भूमि लाभ होगा, एकादशी में रास्ता सही रहेगा, द्वादशी यात्रा निषिद्ध है, त्रयोदशी सर्वसिद्धि है, त्रयोदशी सबसे बढ़िया वाली है, तो इसलिए उसे नियम है। इसलिए और पूर्णिमा ठीक ठाक है, चतुर्थी अच्छी नहीं है, इसलिए अमावस्या अच्छा नहीं है, इसलिए उसमें कुछ कुछ दिन को बताया, मेरे पास में आना वहाँ पर मैं बता दूंगा वहाँ पर लिखा हुआ। और जाते समय आप किस चीज़ को याद करते हुए जाओगे, वहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ, पंचांग में सब श्लोक लिखा हुआ, अगर ये चीज़ को याद करते हुए स्मरण करते हुए जाओगे तो क्या होगा, हमारा रास्ता शुभ रहेगा। अगर कहीं जा रहे हो अगर दही खा कर जाओगे बढ़िया, और जाते समय अगर घर से निकल रहे हो निकलते समय किसी जिस स्त्री की कोई संतान नहीं उनको नहीं देखनी चाहिए, जिस स्त्री की संतान है उनको दर्शन करके जाओ, पूर्ण कलश दे करके जाओ, जो गैया है उनको दर्शन करते हुए जाओ, कहीं भी शुभ काम में जाओ गैया को दर्शन करते हुए जाओ तो तुम्हारी रास्ता बढ़िया रहेगा। धान और ऐसे ऐसे कुछ नाम बताया गया, अगर कहीं जा रहे हो शुभ काम में जा रहे हो, इसलिए राजा लोग पहले जब जाते थे हैं वहाँ पर पूर्ण कुंभ कलश रखते थे और सारे जितने शुभ वस्तुओं को जब राजा चलते थे वहाँ पर रख कर के दर्शन करते हुए कहीं शुभ काम में जाते थे, जब युद्ध में जाते थे। इसलिए अभी समय हो रहा उसमें तो समय है, हैं अमृत योग समय है, हैं काल बिलाव नहीं जानी चाहिए, अमृत
जोग में देख करके अमृत जोग को देख करके जानी चाहिए, जाने से समय दिया रहा पंचगम समय है, इतने समय को अंदर में सूर्य उदय के बाद में इतने समय को अंदर में इतने समय को अंदर में देखा त्रिविक्रम महाराज क्या करते थे, जैसे वो कहीं यात्रा करेंगे वो पूरा पंचांग को एकदम प्रॉपर रूप में देखेंगे, पंचांग को देख करके अगर देखेंगे इस समय मेरे को गाड़ी इस समय पर इस समय निकलने का है, लेकिन इस समय कोई अमृत जोग नहीं, वो क्या करते थे जैसे घर में सारे सामान हैं वो ठीक उसी समय पर घर से निकाल लेंगे, वो सामान को निकाल करके घर से यात्रा हो गया तुम्हारी घर से निकाल कर जैसे बाहर रख लेंगे हैं, जब रख लेंगे रख करके जब जाएंगे वो यात्रा शुरू हो गई तुम्हारी, जिस समय तुमने सामान को रख दिया वो यात्रा तुम्हारी शुरू हो गई है, हैं यात्रा शुरू हो गई और जो शुरू हो गई फिर जब चलेंगे फिर गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ठाकुर को प्रणाम करते हुए ठाकुर का जय ध्वनि दे करके हम देखते थे हमारे भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जब जाते थे सब चीज़ को ध्यान करते थे, परिक्रमा करके गुरुवर्ग का जय दे करके प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर के जाते थे, हैं इसलिए किसी काम के लिए जाओ जरूर वो काम तुम्हारी बढ़िया होगी अच्छा होगी, हैं इसलिए हम लोग भी जाएंगे फरवरी हमने देखा 24 तारीख को उसको पहले 23 तारीख एकादशी 24 तारीख को द्वादश 24 तारीख यात्रा चाहिए, इसलिए 25 तारीख को त्रयोदशी है नित्यानंद त्रयोदशी है, इसलिए त्रयोदशी हम सोच रहे थे यहाँ करें लेकिन और समय नहीं था, इसलिए एक दिन कथा वहाँ एक दिन बाद में कथा शुरू करेंगे, लेकिन कथा तो 25 तारीख से वहाँ पर थी लेकिन वहाँ पर छपवा गया, लेकिन हम एक दिन बाद में जाएंगे, त्रयोदशी का दिन अच्छा दिन है, इसलिए यहाँ पर सांडिल ऋषि नंद बाबा बोल रहे जसोदा को समय हो गया जल्द जल्दी कृष्ण बलराम को छोड़ो, क्योंकि एक है अमृत योग समय पर उनको घर से निकलनी चाहिए, लेकिन मैया तो किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहती है, अगर कृष्ण को छोड़ दिया ना कृष्ण अगर थोड़ी दूर चले गए फिर मैया को सहन नहीं होता, फिर भागती हुई जाती है, फिर कृष्ण को अपना गोद में फिर गोद में ले जाती है, फिर चुपका करके बैठती है, फिर बड़े कष्ट से मैया ने कृष्ण बलराम को घर से छोड़े, बड़े कष्ट से अभी कृष्ण सखाओं को साथ में हैं, कृष्ण सखाओं को साथ में जब गए वहाँ पर बड़ी सुंदर रूप में जंगल में बच्चों के साथ में जैसे खेलते हैं ना, जैसे खेलते हैं जैसे कोई छड़ी फेंक दिया दूर में कौन पहले पकड़ता है, ए सखाल को भागते हुए जाते हैं कौन पहले पकड़ेगा, कहते ये आमलोगी उठाए आमलोगी उठा कर फेंक दिए, फेंक करके कौन उसको पहले पकड़ता है, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना अपने आपस में, कृष्ण ऐसे बड़े सुंदर वहाँ पर खेला करते थे, कभी कभी कंबल को अपना शरीर में ओढ़ देते थे, हाँ जैसे साढ़ होता है कंबल को ओढ़ करके आच्छादित करके वृष जैसे कृत्रिम वृष आकार धारण करते हुए, इसलिए कभी कभी अपना जैसे दोनों साढ़ आपस में लड़ते ना दोनों साढ़, इसलिए ये सखा लोग कभी कभी ऐसे ऐसे लड़ते थे, कभी कभी हंसा जैसे सुंदर सुंदर आवाज करता है, हंसा जैसे कभी कभी आवाज करते हैं, जैसे बंदर कभी कभी जैसे आवाज करते ऐसे आवाज करते हैं, हैं और आकाश में अगर कोई चिड़िया उड़ते हुए जाता होगा देखेगा ना वो चिड़िया की परछाई को भागते भागते उसको छाया के साथ में दौड़ कर जाएगी, कहीं जैसे मोर जैसे सुंदर पंख खोल करके नृत्य करते हैं, कभी कभी सखा लोग ऐसे ऐसे कभी कभी कृष्ण नृत्य करते हैं, बड़े सुंदर नृत्य करते हैं, जैसे मेढक छलांग लगाते ना मेढक जैसे कभी कभी छलांग लगाते जैसे घोड़े चलते हैं, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, कृष्ण ऐसे खेलते 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 जब जा रहे थे इतने में उन्होंने देखा ये बदसा शुरू आ गया है, कृष्ण सखाओं के साथ में बैठे हुए थे बलराम सब सुख, इतने में उन्होंने कंस जिसे सुना ये अगर कृष्ण के सामने डायरेक्ट जाओ ना बचना बड़ा कठिन, क्योंकि पुतना को मार डाले सकड़ा सुर त्रिणावर्त मार डाले उनको सामने प्रत्येक रूप में बदल समझ जाते मार जाते मार डालते हैं, उसे बदसासुर ने सोचा ऐसे कौन सा रूप धारण करे कृष्ण को आसानी से मार डाले, उन्होंने सुना कृष्ण बछड़े को मेरे प्यार करते हैं, बछड़े चढ़ा रहे भले जब मैं बछड़ा रूप धारण करते हुए जाऊँगा ना कृष्ण कभी कभी बछड़े को ऐसे ले लेते ना अपना गोद में ले लेते बछड़े को, इसलिए जब मेरे को अपना गले में लगाया बस कृष्ण गलत दबा ये सोच कर उसने बछड़ा रूप धारण किया, और कृष्ण बलराम सखाओं को साथ में बैठे हुए थे उसने बछड़ा रूप धारण करते हुए जब बछड़े बच्चियों को साथ में मिलने के लिए चाहता है, अभी बछड़े हमारे यहाँ पर देखोगे अगर कोई गैया जो अंदर बंधा हुआ है ना गैया बंधा हुआ अगर उसको छोड़ देते हैं जब दूध नहीं था छोड़ देते दूसरे गैया के पास में सब जो मिला हुआ आप देखना हर गैया उसको मारते सिंग सिंग मारते,
सब गैया उसको मारते रहते हैं, सब एक एक बार मारेंगे उसको, है नया गैया आ गई। इसलिए ये साधारण, इसलिए लेकिन वो जो राक्षस उसका शरीर में एक बदबू है, अभी वो कोशिश करता है तो बछड़ों के अंदर में मिलने के लिए, लेकिन कोई बछड़े उसको मिलने नहीं दे, वो जिधर जाता है ना बछड़े अलग हो जाते हैं, बछड़े अलग। कृष्ण ने देखा, बलराम ने देखा, ये क्या बात है, ये बछड़ा कोशिश करता है मिलने के लिए लेकिन कोई बछड़े उससे मिल नहीं रही, सबके सब अलग हो जाते, क्या चक्कर है। इतने में दारू भैया अपने कन्हैया देख वहां पर, ये लगता है कि दाल में कुछ काला है, कोई राक्षस है, ये बछड़ा रूप धारण करते हुए आया है, इसलिए सावधान। और वो बछड़ा धीरे धीरे बछड़ों को हैं पास होते हुए जब कृष्ण को पास में आए और सोचा कृष्ण हमें अपना गले मिलेगा, मिलेगा तो गला दबा दूंगा, है जब आए इतने में कृष्ण ने क्या किया, उसको दोनों प्यार को उन्होंने पीछे पकड़ लिए, है पीछे पकड़ करके जैसे चक्र को घुमाते हैं, इसे घुमा घुमा करके वहां पर कैथ बेल, जानते हो कैथ बेल क्या होता है, कैथ बेल मार कर मारे उस वृक्ष को, पर जब मारे जोर से मारते उसको तो प्राण छूट गया और वो पेड़ में लगते और एक काम हो गया, जो पक्के हुए जो कैथ बेल बड़ा टेस्ट है उसमें, बड़ा सुंदर है, इसलिए जो पक जाए ना बड़ा सुंदर लगता है, चाटनी बढ़िया बनता है, हैं। इसलिए जो गिरा ना वो जितने कैंथ थे सबके सब नीचे, सबका सब नीचे गिरे, इसलिए एक साथ में दो काम हो गया, क्या काम हो गया, एक तो काम हो गया राक्षसों को मार दिया और उसको साथ साथ में उन्होंने कैंथ बैल भी सखाओं का, सखालों को बड़े आनंद से सखालों को खाने लग गए। इसलिए ऐसे ही कृष्ण उन्होंने बत्सासुर को उन्होंने वध किया है, हाँ इसलिए बत्सासुर को बाध किया, जब बत्सासुर को वहां पर उन्होंने वध किया, इतने में और एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गए थे, गए थे तो वहां पर बकासुर आ गया, हैं? ये बकासुर बगला रूप धारण करते हुए आए, जब कृष्ण सखाओं के साथ में गए गए इतने में क्या देखा, जैसे ऐसे लग रहा था पहले जो पहाड़ होते थे उड़ते थे, पहले पहाड़ उड़ते थे, हैं? जैसे यहाँ पर उड़ते हुए अगर जिस देश में जाते थे ना, अगर वो जगह पर जिस जगह पर बैठे पूरा के पूरा सत्यानाश कर देते हैं, इतने में इंद्र ने क्या किया, बोले ये पूरा देश को उजाड़ देते हैं, इसलिए इंद्र ने उसका पंख सर काट दिए, और पंख काट दिए और उड़ नहीं पाए ये पहाड़, और उड़ नहीं पाए, इसलिए जब वो गए इतने में ऐसे लग रहा था मानो किसी ने किसी पर्वत का पंखों को काट कर मानो गिरा दिया है, और विराट बगुला सफेद है, सफेद रूप धारण करते हुए, विशाल सफेद रूप धारण करते हुए बैठा हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे पंखों को गिरा दिया। इतने में वो चुपचाप, अब देखे हो बगुले को, बगुला जो पानी में बैठता रहा देखना एक टांग के ऊपर खड़ा रहेगा, कैसे जैसे ऋषि मुनि लोग भजन करते हैं, ऋषि मुनि लोग भजन करते हैं, एक टांग ऊपर में खड़ा रहता है, वो एकदम चुपचाप वहां पर खड़ा था, है कृष्ण आएंगे तो कृष्ण को निकल जाऊंगा। इतने में जब कृष्ण आए, अरे झट पकड़ा पकड़ करके उन्होंने कृष्ण को निगल गया, जब निगल गया इतने में सखा लोग जब देखा हमारे कन्हैया को इतने निगल गया, और जितने सखा लोग इतना बेहोश हो गए, सबके सब सखा लोग बेहोश हो गए, कहते वहां पर बलदेव प्रभु भी बेहोश हो गए। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भैया बलदेव प्रभु तो सब जानते हैं, वो तो साधारण है नहीं, लेकिन बलदेव प्रभु कैसे बेहोश हो गए, इनका बेहोश होने का क्या कारण है। तो विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोले पहला कारण बता रहे हैं भातृ स्नेह, कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो स्नेह के वजह से ही उन्होंने बेहोश हो गए, लेकिन वो तो सब जानते हैं बलदेव प्रभु। दूसरा कारण बताते हैं, यहाँ उदाहरण देते हैं, जब रुक्मिणी की विवाह हुई, जब कृष्ण रुक्मिणी को हरण करने के लिए गए, कृष्ण ने बलदेव प्रभु बोला नहीं, कृष्ण वैसे ही चले गए थे, लेकिन वो पीली पत्र देखकर समझ गए कि दाल में कुछ काला है, ये कोई प्रेम पत्र है, कुछ गड़बड़ी होने वाली है। कृष्ण बलदेव प्रभु बोले नहीं, लेकिन बलदेव प्रभु क्या क्या पीछे पीछे गए, अगर कान्हा के ऊपर में कोई भी विपत्ति आएगा तो मैं वहां पर युद्ध करूंगा। इसलिए जब कृष्ण यहाँ पर उसी तरह जैसे बलदेव प्रभु वहां कृष्ण जब रुक्मिणी को हरण किया, सारे राजा वर्ग एकदम खड़े होकर के युद्ध करने के लिए तैयारी हुई, बलदेव प्रभु क्या बोले, कन्हैया रुक्मिणी तो लेकर जा, मैं इसको निपट देता हूँ। ए बलदेव प्रभु उठाए भाल और मुसल, ऐसे पिटाई करना शुरू किया वहां पर, ये वहां भगदड़ मच गया, सबके सब भाग खड़े हुए। कहते उसी तरह यहाँ पर बलदेव प्रभु कृष्ण का पर जो स्नेह है, वो स्नेह की वजह से, क्या कृष्ण को जरूरत है मदद करने के लिए जाने का, वो तो भगवान है,
उनके लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन स्नेह की वजह से वहाँ पर बलदेव प्रभु गए थे, उसी तरह यहाँ पर बलदेव प्रभु जो मूर्छित हो गए वो स्नेह की वजह से ही मूर्छित हो गए। लेकिन उसने जब कृष्ण को अंदर में निगल लिया, इतने में कृष्ण अंदर में तो गए जैसे किसी लोहे को गर्म करते हैं, ऐसे अपना शरीर को लोहे जैसे गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो इसलिए उसने उल्टी कर दिया, जब उल्टी कर दिया फिर जब कृष्ण को मारने के लिए आई, जैसे एक तृण को गांठ रहते थे, तृण को जैसे पकड़ करके हम चीर देते हैं, ऐसे ही कृष्ण ने क्या किया, उसका दोनों चोंच को पकड़ कर उन्होंने फाड़ दिए। इसलिए जहां पर उन्होंने जिस गांव में उन्होंने बकासुर को मारे फाड़ दिए, इसलिए वो गांव का नाम अभी कहते चिल्ली। चिल्ली मतलब क्या, हमने जैसे चीर दिया उसको है, वहां पर एक गांव का नाम ये खदरिया खायोरी, एक गांव का नाम खायोरी खैरा, जो खैरा कहते ना खायोरी, खायोरी मतलब जब उन्होंने कृष्ण ने बकासुर को निगल लिया, उन्हें सखा अरे हमारे कान्हा को खा गए और हमारे लाला को खा गए और खा गए और, इसलिए गांव का नाम पड़ गया खैरा, खायोरी खैरा नाम पड़ा है, खायोरी नाम पड़ा है। इसलिए इतने में यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अरे भगवान का शरीर कितना कोमल है, कहते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, भगवान का चरण करोड़ कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ चंद्र से भी ज्यादा सुशीतल भगवान की शरीर है। भगवान का शरीर कोमल, कितने सुंदर भगवान कोमल अंग है, जिस भगवान को भक्तों लोग अपना हृदय में चिंतन करते हुए बैठा कर कितने उनको शांति मिलती है, कितने सुख मिलता है। लेकिन आज वो कृष्ण जब बकासुर को अंदर में गए, कहा साक्षात भगवान को चिंतन करते हुए भक्त लोग इतने सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन साक्षात कृष्ण उसको अंदर में गए, लेकिन उसको क्या लगा, जैसे लोहे को कोई गर्म किसी लोहे को जैसे अंदर में डाल दिया, इतने उसने उल्टी कर दी, इतने उल्टी कर दी। भगवान क्या क्या सोचा, इसलिए कहते भक्त अभक्त में यही फर्क है, भक्त तो भगवान के हृदय में धारण करते हुए सुख मिलता है, लेकिन जो अभक्त है क्या होता है, भगवान को अंदर में लेकर जैसे कोई गरीबी कोई लोहे को जैसे अंदर में डालते हमने उल्टी कर दी। तो इन भगवान वहां पर कृष्ण बकासुर को वध किया, कहते बकासुर कौन है, कौन सा अनर्थ है, कहते जो बकासुर है कहते ये कुटिनाटी बा धूर्तता बा सठता बा झूठा है, ये इसका प्रतीक है। क्या है, एक तो कुटिनाटी, कुटिनाटी मतलब कपटता है, कुटिनाटी धूर्तता है, और सठता, और कहते ये झूठा है, हाँ झूठा, ये इसकी अनर्थ है। इसलिए एक समय भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण देखो ये बगुले को कैसे बैठा हुआ, एक प्यार में जैसे ऋषि मुनि लोग एकदम एक जगह पर खड़े रहता है, बगुला को कभी देखना पहाड़ी अगर चलता है ना, एक प्यार में खड़ा हुआ रहेगा, एकदम एक नज़र से, जैसे कि ऋषि मुनि जैसे तपस्या करते हैं, और एक टांग पर खड़ा रहेगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो ये बगुला कितने बड़े तपस्वी, एक टांग को ऊपर में कैसे खड़ा हुआ। लक्ष्मण कहते प्रभु ये बगुला कितने बड़े तपस्वी ना, ये मछलियों को पूछो तो बताएंगे, एक बार में क्यों खड़ा रहता है, ये मछलियों को पता नहीं चले ये कोई बगुला है, हैं वो छोटे मोटे मछली नहीं देखता है, बड़ा मछली देखता है, हाँ बड़े मछली को शिकार करता है, जब देखा बड़ा मछली का ना छट पकड़ कर उसने निकल जाएगा। इसलिए कहते ये ऊपर से साधु का वेश है लेकिन अंदर में ये कपट है। इसलिए शिक्षा देते हैं हमें कभी अलग रूप नहीं, इसलिए बोले अंतर बाहर सम व्यवहार अमानी मानद, भक्तमन ठाकुर कहते हैं हम ऊपर एक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में कोई और कोई चीज सोच रहे हैं नहीं, ये चीज कपट है। कपट किसको कहते हैं, हम अंदर में कुछ और बाहर कुछ किस चीज को दिखाते हैं, इसको कपट कहते हैं। कहते भगवान के भजन में कपटता को त्याग देना पड़ेगा, बाहर और भीतर हमें एक होनी चाहिए तब भगवान, इसलिए बंसुरी को क्यों बजाते हैं कृष्ण, ये बंसुरी क्यों बजाते हैं, उसमें दो गुण है, पहला गुण किया अंदर में कोला और दूसरा गुण किया कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती है। कहते अगर हम बंसुरी बन जाए ना भगवान भी हमें धारण कर लेंगे, भगवान भी अपना घरा में हमें पानी धराएंगे, बंसुरी बन जाओ मतलब बाहर और भीतर एक बननी चाहिए,
इसलिए जो बकासुर है ये कपटता का प्रतीक है, इसलिए भगवान की भजन करना तो हम कपटता को दूर करनी चाहिए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वंशाकल दुर्भ कृपा।